पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी के रिश्तेदारों के घरों पर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी की सर्च बुधवार को दूसरे दिन भी जारी है। आपको बता दें, सूत्रों के अनुसार इस रेड में ईडी अफसरों ने दूसरे दिन 4 करोड़ रुपए 70 लाख रुपए बरामद किए हैं। इससे पहले भी 6 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए थे। 2 दिन में 11.25 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए हैं। आपको बता दें, इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टी के कागजात भी मिले हैं जिसकी कीमत भी करोड़ों रुपए बताई गई है। और ऐसे में ईडी की अलग अलग टीमों ने मुख्यमंत्री चन्नी की पत्नी के भांजे भूपेंद्र सिंह हनी और संदीप सिंह के घरों और संस्थानों पर मंगलवार को रेड की थी। और ईडी से जुड़े सूत्रों के अनुसार दोनों के घर 2 दिन चली इस सर्चिंग में 10 करोड़ 70 लाख के आसपास कैश बरामद हुआ है। हालांकि अभी ईडी के अफसरों ने इसकी पुष्टि नहीं की है। अब पंजाब में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे पर ईडी की रेड के बाद सियासी संग्राम छिड़ गया। सीएम चन्नी ने आज चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा चूक के बदले केंद्र सरकार उन्हें सजा दे रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये पंजाबियों को बदनाम करने की साजिश है और आयकर विभाग का दुरुपयोग किया जा रहा है। खाली कुर्सियां तो मुड़के आना सी 10 किलोमीटर पीछे से मुड़ गए, लेकिन ये बदला कोरी मेरे नाल क्यों? जे मैं रात नूं किसानां ते डांगा चला दूंगा, गोलियां चला दूंगा, जबरदस्ती करदा तां मैं ठीक सी, मैं अपने लोकां ते क्यों चलावां? होया ही नहीं कुछ नहीं, फिर ये रौला कर है। मैं अरदासा करके देख लिया, मैं उन्होंने ही कह के देख लिया कि जी मैं थोड़े चंगी सेहत की थोड़ी जिंदगी की कामना कर रहा। इसका क्या मतलब है? पंजाबियों ने क्यों बदनाम किया जा रहा है जब किसानों ने किया ही कुछ नहीं? कोई कंकर नहीं मारिया, कोई बट्टा नहीं मारिया, कोई नेड़े नहीं गया, फिर किसानों ने और पंजाबियों ने बदनाम करना कि मैं जान बचा के आया हूँ, धन्यवाद दे देना, इसकी इसका मतलब क्या है कि पंजाब को बदनाम करने की साजिश है? पंजाब दे विच कोशिश कर ली कि जी असी राष्ट्रपति का राज विभाग नहीं लगे, हुण कोशिश की जा रही है कि साढ़े बंदियां नूं इलेक्शन ना लड़ दिता जाए। ये किस तरह चलेगा? ममता बनर्जी के तमिलनाडु के जिथे ऑपोजिशन लीडर सरकार जिथे जीतते नहीं लगते उत्थे जाके ईडी टोक देंगे, उत्थे जाके इनकम टैक्स वाले टोक देंगे, तो नजायज हर गल का परचा कराने की कोशिश की जाती। और पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी राघव चड्ढा ने सीएम चन्नी पर तंज कसते हुए कई सवाल उठाए हैं। राघव चड्ढा ने कहा कि ऐसा लगता है कि चन्नी साहब आम आदमी नहीं, बेईमान आदमी है। साथ ही उन्होंने चन्नी पर सवाल उठाते हुए कहा कि चन्नी ने अभी तक ये भी नहीं बताया कि उनके भतीजे के पास 10 करोड़ रुपए आए कहाँ से। ऐसा लगता है कि चरणजीत सिंह चन्नी साहब आम आदमी नहीं, बेईमान आदमी है। मैं चन्नी साहब से पूछना चाहता हूँ कि मैंने आपकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, आपने अभी तक नहीं बताया कि आपके भतीजे के घर से 10 करोड़ नकद कैश कहाँ से आया, वो कहाँ से कमाया गया? 56 करोड़ की एंट्रियाँ जो मिली हैं कहाँ से मिली? करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ मिली, 21 लाख रुपए का सोना मिला, न जाने कितनी बेशुमार दौलत इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रेड करके जब्त करी है, ये पैसा कहाँ से आया?
और आम आदमी पार्टी ने पंजाब के सीएम चेहरे के लिए भगवंत मान का नाम तय कर लिया है और बीजेपी ने इस पर निशाना भी साधा है। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने सीएम केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि पंजाब के लिए आपने भगवंत मान को मुख्यमंत्री प्रत्याशी बनाकर जनता के साथ भद्दा मजाक किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि एक तरफ दिल्ली सरकार दिल्ली में शराब की दुकानें खोल रही है तो दूसरी तरफ उन्होंने नशे में डूबे इंसान को सीएम उम्मीदवार बनाया है। रामवीर सिंह बिधूड़ी ने सवाल किया है कि सबसे पहले अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जनता को बताएं कि उन्होंने शराब पीना छोड़ दिया है या नहीं। तो मान केजरीवाल जी, क्या नशा ही है आपकी पहचान? इस तरह से भगवंत मान जी को जो उम्मीदवार उन्होंने बनाया, कितना भद्दा मजाक पंजाब की जनता के साथ तो किया ही है, अपने इरादे भी उन्होंने जाहिर किए हैं। और वो इरादे कि दिल्ली के अंदर इतनी दुकानें खोलने के बाद लगता है केजरीवाल साहब ने जनता को नशेड़ी बनाने की सुपारी ले ली है। दिल्ली में हजारों की संख्या में ठेके खोलकर अब पंजाब में ठेकेदार को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार दे दिया है, यानी पंजाब में अब आम आदमी पार्टी का सारा दारू मदार भगवंत मान के ऊपर है। वो उनके और कह रहे हमारे सबसे प्रिय नेता हैं। ये प्रिय नेता हैं इसीलिए दिल्ली में इन्होंने हजारों की संख्या में पहले ठेके खोले। अरविंद केजरीवाल ने आज से कुछ समय पहले मीडिया के सामने भगवंत मान के बारे में स्टेटमेंट दिया था कि भगवंत मान शराब के नशे में डूबे रहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भगवंत मान ने उनको ये आश्वासन दिया है कि वे शराब पीना छोड़ देंगे। अब ये तो मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल को और भगवंत मान को बताना चाहिए कि क्या उन्होंने शराब पीनी छोड़ी है या नहीं छोड़ी है। दूसरी बात यह है कि दिल्ली में शराब माफियाओं को जो शराब के ठेके दिए गए हैं, शराब माफियाओं और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच में ब्रिज का काम या मिडलमैन का काम या बिचौलिए का काम जो है, या जो भी लेन देन हुआ है आम आदमी पार्टी के नेताओं और शराब के ठेकेदारों के बीच में, जो हजारों शराब के ठेके दिल्ली में प्राइवेट शराब के ठेकेदारों को दिए गए हैं, तो बिचौले का काम भगवंत मान ही कर रहे थे। और चंडीगढ़ में पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार की नाकामियों के ऊपर आमदनी नहीं हुई दोगुनी दर्द हुआ सौ गुना बुकलेट का उद्घाटन किया है, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी सरकार पर देश के किसानों की उपेक्षा करने के आरोप लगाए हैं, जिसमें कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कृषि कानून के मुद्दे पर बीजेपी और अकाली दल और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। और वहीं इसी मुद्दे पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने भी बीजेपी को घेरा है। ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनका डीएनए किसान और मजदूर विरोधी है, न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि वो अकाली दल बादल, जिसने किसान विरोधी काले कानून पारित करवाए थे और जब किसान विरोधी उचित मुआवजा कानून अध्यादेश लेकर आए थे, ये तब भी सरकार में थे। और तीसरे वो जिन्होंने मोदी के उन काले कानूनों को नोटिफाई किया था। दिल्ली की सरहद पे जो पंजाब की 60% आबादी, हरियाणा और पूरे देश से एक इनकलाबी लहर उठी, वो उस बात का प्रमाण है कि दूध को भट्टी पे रखो तो दूध का उबलना निश्चित है। और जनता में अगर रोष आ जाए, आक्रोश आ जाए, तो सरकारों का उलटना भी निश्चित है। 70,000 कुर्सी पे 700 आदमी जमा हुए थे यहां, ये इसी बात का प्रमाण है कि लोगों में निराशा है, हताशा है और विश्वास चकनाचूर हो चुका है। उसके कारण जिस एमएसपी की बड़ी बड़ी बातें किया करते थे सेंटर की सरकार वाले और यह कहा करते थे कि आमदनी दुगनी करेंगे,
वो एमएसपी 6% से ज्यादा इस देश के किसानों को मिलती ही नहीं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड द जनतंत्र टीवी ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।